हाय दिस इज डे नंबर फोर 9 पीएम क्विज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो आपके डाउट्स है क्वेश्चन नंबर वन है पॉलिटी का अ रिजोल्यूशन ऑफ डिस अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक रिजोल्यूशन है जहां पे डिसअप्रूवल करना है नेशनल इमरजेंसी का इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द कॉन्टीन्यूएशन ऑफ अ प्रोक्लेमेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स सो जो इमरजेंसी है उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको हटाना डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिफरेंट है अप्रूविंग द कॉन्टीन्यूएशन ऑफ प्रोक्लेमेशन दोनों में क्या डिफरेंस है पहला स्टेटमेंट है डिसप्रूवल ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेज बोथ द हाउसेज वेर इज अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन कैन बी डन ऑनली बाय द लोकसभा तो डिसअप्रूवल में दोनों हाउसेस का डिसअप्रूवल चाहिए बट जब अप्रूवल की बात होगी तो लोकसभा सफिशियंट है डिसअप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी डिसअप्रूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी वेयर इज़ अप्रूवल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऐसे सवाल पता है कैसे तैयार होते हैं हमने एक स्टैंडर्ड बुक देखा स्टैंडर्ड बुक में ये स्टैंडर्ड कंटेंट देखा और उस पैराग्राफ में जैसे यहाँ हमने कुछ चेंजेस करने या फिर एक सेंटेंस में चेंज करना है एक में नहीं करना है इस तरीके से यहाँ पे दिस थोड़ा शब्दों का हेयर फेयर होता है तो जैसे ये सवाल किया होगा अब हमें ये पता लगाना चाहिए एक कॉमन सेंस होता है अप्रूवल क्योंकि इमरजेंसी एज सच बहुत बड़ी चीज़ है तो अगर इसका अप्रूवल होगा तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट मैथड होनी चाहिए डिसअप्रूवल होगा वो ईजी होना चाहिए है ना लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए इमरजेंसी इज़ लाइक समथिंग ह्यूज अप्रूवल बहुत मुश्किल से होना चाहिए और नाइनटीन सेवेंटी फाइव का एक्सपीरियंस भी हमें पता है अप्रूवल शुड बी डिफ़िकल्ट डिसअप्रूवल शुड बी ईजी बिकॉज डिसअप्रूवल का मतलब होता है नॉर्मल सी और नॉर्मल सी आसानी से आनी चाहिए तो पहला स्टेटमेंट है डिसअप्रूवल में दोनों हाउस होंगे और अप्रूवल में केवल लोकसभा होगी ये तो उल्टा हो गया तो गलत डिसअप्रूवल में स्पेशल चाहिए और अप्रूवल में सिंपल चाहिए ये भी उल्टा हो गया सो द राइट आंसर इज़ डी ये भी गलत है ये भी गलत है एक्चुअली दिस दिस ऑपोजिट उन्होंने शब्दों को चेंज कर दिया है यहाँ पे सो द राइट आंसर इज डी करेक्ट पूछा था यहाँ पर ओके okay? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट तो गवर्नर को जब ऐसा लगता है समन करना है हाउस ईच हाउस राज्य स्तर का तो गवर्न गवर्नर वहाँ पर समन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर ऑलवेज जब भी ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं ये डिफाइनर वर्ड्स होते हैं ऑलवेज हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ़ द कैबिनेट कैन नॉट ये भी एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहा है कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज और हर ओन ऑन समनिंग हिज द हाउस तो गवर्नर जैसे राष्ट्रपति कॉम के एड एंड एडवाइस में वर्क करता है वैसे राज्य स्तर पर गवर्नर कैबिनेट की एडवाइस पे वर्क करेगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे अब हमको बताना है करेक्ट क्या है जो पहला स्टेटमेंट है कि जो समन करना है मतलब बुलाना है बुलाना है दोनों हाउस के लजिस्लेचर सेशंस बुलाना है या फिर लजिस्लेचर को किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए कॉल करना है ये जो कॉल है ना ये गवर्नर कर सकता है बट यहाँ क्या लिखा था ऑलवेज सेकेंड स्टेटमेंट में ऑलवेज लिखा था और फिर फर्दर कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज और हर ओन ऑन समनिंग हाउस नहीं कई बार जो जो सरकार जो पावर में है अगर गवर्नर को ऐसा लग रहा है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है विधानसभा का तो गवर्नर अपने डिस्क्रीशन पे भी समन कर सकता है हाउस को तो कैन नॉट इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है सो द राइट आंसर इज ए सो ऑलवेज सच टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना हमेशा बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे डिफाइनर की वर्ड्स में ये जहाँ मिलते ही हमें उसे अंडरलाइन करना चाहिए और ये डिफाइनर की ही जो कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का उसको चेंज कर देते हैं सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल सो द राइट आंसर हियर इज़ ए ये करेक्ट है ये गलत है थर्ड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ़ जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जुडिशियल रिव्यू है हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट कैन रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड ऑल्सो स्टेट लजिस्लेचर कैन लिखा हुआ है यहाँ पे जहाँ कैन वर्ड आता है ना वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सेंटेंस करेक्ट होने की हाई कोर्ट कैन रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लजिस्लेचर पर हाई कोर्ट तो राज्य स्तर पे पार्लियामेंट तो सेंट्रल यूनियन लेवल पे तो स्टेट लेवल की हाई कोर्ट क्या यूनियन लॉज को भी रिव्यू कर सकती है हाई कोर्ट कैन नॉट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट हाई कोर्ट इंटरप्रेट कर ही नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन को वेल रिव्यूइंग एनी लॉ और ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट एज सुप्रीम कोर्ट इज़ द सोल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब इसका सवाल क्या करेक्ट होगा तो सी सेकेंड में क्या लिखा है कैन नॉट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहला सही होता कि वो रिव्यू कर सकता है एटलीस्ट स्टेट लेजिस्लेचर का तो रिव्यू होना चाहिए तो क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू नहीं कर पाएगा क्या जो ऑनरेबल कोर्ट है राज्य स्तर पे स्टेट हाई कोर्ट है तो द आइडिया इज़ ये जो सेकंड है ये गलत है जो हाई कोर्ट है वो भी रिव्यू कर सकता है सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्यूटली ट्रू हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है इवन पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है इवन विद हाई कोर्ट जो अपनी जीएस रिवीजन क्लास है ना उसमें वीडियो में ये एक एरर है हाई कोर्ट वाला तो हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है ऑल दो पी शेयर करते वक्त मैंने उसको करेक्ट कर दिया था बट हाई कोर्ट जुडिशल रिव्यू कर सकता है ओके सो द राइट आंसर इज ए देन आते हैं हम जोग्राफी में जोग्राफी एनवायरमेंट दोनों सेम चीज़ ही होता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीता 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 बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है बिकॉज इसके री इंट्रोडक्शन की बात हो रही है किस जगह हो रही है री इंट्रोडक्शन चीता टेल चीता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीता इज़ द वर्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल अब यहाँ वर्ड फास्टेस्ट लिखा है बट साथ ही साथ लैंड मैमल भी लिखा हुआ है तो चीता वर्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है यसोट yes नो एशियाटिक चीता इज़ क्लासिफाइड एज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द आईयूसीएन रेड लिस्ट तो आईयूसीएन रेड लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर सवाल आते हैं आपको जो भी ऐसा कीवर्ड्स अगर दिखे ना टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी अक्सर क्या होता है वो सब अपडेटेड नहीं होते है तो ऑलवेज जो आईयूसीएन की जो ऑफिशियल रेड लिस्ट वेबसाइट है वहां आप किसी भी स्पीशीज़ को एंटर करके कीवर्ड सर्च करोगे तो लेटेस्ट स्टेटस उसका पता लगता है तो वो एक बार ज़रूर आप अपडेट कर लेना इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ का हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से देखना जैसे 2020 में हो सकता है स्टेटस चेंज हो जाए उसका लाइक like दैट चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया तो चीता एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गया है इन इंडिया सो द राइट आंसर हियर इज द राइट आंसर हियर इज डी चीता फास्टेस्ट है चीता क्रिटिकली एंटेंजर्ड है आई रेड लिस्ट में और चीता डिक्लेयर्ड हो गया एक्सटिंक्ट इसको और बेटर फ्रेज़ हम कर सकते थे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट अगेन मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है यहाँ एक्चुअली ये पूछना चाहता था इंडिया में क्या चीता डिक्लेयर हो गया है एक्सटिंक्ट तो यस yes, वैसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है बट एक्सटिंक्ट भी इस स्टेटमेंट को अगर एक्सटिंक्ट भी लिखा है तो वो करेक्ट ही है सो द राइट आंसर इज डी सो so, ये जो डाउट आपने पूछा था कई बार बहुत ज़्यादा हमें ना नैरो में नहीं देखना चाहिए यूजुअली यहाँ ये क्वेश्चन जैसे कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये था वो पूछना चाहता था इंडिया में एक्सटिंक्ट है या नहीं अभी एशियाटिक चीता कुछ एशियाटिक चीता ईरान में मिलते हैं बाकी कहीं नहीं मिलते हैं अभी एशियाटिक चीता छत्तीसगढ़ में लास्ट एशियाटिक चीता चीता मिला था देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अर्थ क्वैक वेव्स ये रिविजन क्लास में हमने पढ़ा था पी वेवस मूव फास्टर दैन एस वेव जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तेजी से चलती हैं इन कम्पेरिजन टू एस वेव सेकेंडरी प्राइमरी वेवस ट्रेवल ऑनली थ्रू सॉलिड मीडियम वेर इज एस वेवस ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम प्राइमरी केवल सॉलिड से चलेगी एस वेव लिक्विड सॉलिड दोनों से चलेगी द डेंसर द मटीरियल द लोवर इज द वेलोसिटी ऑफ दिज वेवस जितना डेंसर मटीरियल होगा वेलोसिटी उतनी ही कम हो जाएगी अब ये कैसा लॉजिक हुआ डेंसर है मटेरियल मतलब टाइटली पैक्ड है तो जो एनर्जी है वो इजीली ट्रांसफ़र होगी उसके मॉलिक्यूल्स में तो द पॉइंट इज़ वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए यहाँ लिखा है लोअर तो थर्ड तो गलत है तो ये दोनों गए अब करेक्ट बस बताना है आपको पी वेव जो है वो सॉलिड से ट्रेवल करती है एस वेव पर हमने क्या पढ़ा था पी वेव रेयर फैक्शन कंप्रेशन ऐसे करके आगे बढ़ती है साउंड टाइप एस वेव्स नॉट लाइक दिस सो द पॉइंट इज जो एस वेव है वो केवल सॉलिड से होती है लिक्विड से नहीं होती है सो द राइट आंसर इज ए और इसी के कारण जो अर्थ है अर्थ में 105 डिग्री 105 डिग्री फिर बीच का ये वाला जोन तो ये जो 105 से 105 है ये होता है शेडो जोन शेडो जोन एस वेव का जबकि बीच वाले जोन में थोड़ा डिफॉर्म्ड वे में आपको ये वाली वेव मिलती है कौन सी प्राइमरी वेव तो दिस टेल्स की जो कोर है हमारा वो दैट आउटर कोर इज मोल्टन स्टेटस सो ये हुई अर्थक्वेक वेव्स अब ये बताइए द एयर प्रेशर इज़ हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट एयर प्रेशर हाईएस्ट होगा सी लेवल पे और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर कम होता जाएगा लो प्रेशर सिस्टम आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड सेटल्ड वेदर जहाँ ड्राई और सेटल्ड वेदर है इसका मतलब वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है एयर ऑलवेज़ मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया ये तो एबसोलूटली ट्रू है हमेशा हाई एनर्जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ़्लो होगा तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में एयर फ्लो होगा और एयर जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसका नेम होता है तो थ्री हैज़ टू तो बी राइट बट तीन तीन जगह करेक्ट है तो केवल एक ही गलत हुआ पहला लो प्रेशर सिस्टम यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई अब लो प्रेशर सिस्टम है तो वहाँ सेटल्ड वेदर कैसे होगा जब ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है सब जगह से हवा आ रही है इस गैप को फिल करने के लिए तो ये तो हो ही नहीं सकता तो सेकंड तो गलत हो गया सेटल्ड वेदर नहीं होगा प्लस लो प्रेशर है तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं ऊपर सबडक्शन भी होता रहता है लो प्रेशर है तो अपड्राफ्ट होता है अपड्राफ्ट होता है जैसे इक्वेटोरियल लो है तो अपड्राफ्ट है तो इक्वेटोर में तो बहुत बारिश होती है तो सेकेंड तो होगा ही नहीं होगा तो सेकेंड गया फर्स्ट पहले ही चला गया था ये भी गया ये भी गया वन एंड थ्री इज द राइट आंसर ओके सो बी इज द राइट आंसर ऑल राइट अब हम नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी 2020 का डेकेड है तो 1920 का डेकेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी एक सेडिशन कमेटी बनी उसने रॉलेट एक्ट को रिकमेंड किया रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग होम रूल लीग हमने पढ़ा था, था, था ना एनी बेसेंट एंड तिलक गांधी जी उसको ट्राई करेंगे यूटिलाइज करना डिमॉन्सट्रेशन अगेंस्ट द अरावल ऑफ साइमन कमीशन को इंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह अभी जो सेकेंड स्टेटमेंट है कोई भी नया चीज़ करना है तो उसके इमीजिएटली जैसे होम रूल लीग 1915 16 गांधी जी फिर 1920 में रॉलेट फिर आगे बढ़ेंगे तो जो पुराना लीग का जो वर्क है तो हम आगे बढ़ेंगे तो पुराना तो यूटिलाइज होना ही चाहिए ना तो ये लॉजिकली करेक्ट ही होना चाहिए कि गांधी जी वैसे भी बहुत स्मार्ट थे पब्लिक मोबिलाइजेशन करने में तो गांधी जी ऑब्वियसली सोचेंगे कि जब इतना अच्छा कार्डर बना हुआ है लोग रेडी है तो उनको यूटिलाइज़ करो तो गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू तो टू तो होगा ही होगा है ना अब एक ही स्टेटमेंट गया हमारा रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सडिशन कमिटी लेटे डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अरावल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह अब साइमन कमीशन तो हमें बहुत बाद में हुआ वो दस साल बाद होगा मॉन्टेगो चेम्स फॉल्ट फिर दो साल पहले आ गया और रॉलेट तो बहुत पहले हो गया था तो कैसे को इनसाइड होगा नहीं होगा तो तीन तो होना नहीं है दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग तो सी पता नहीं था सेडिशन कमिटी का फिर भी हम बोल सकते हैं द राइट आंसर हियर इज बी ये होता है स्टाइल एम सॉल्व करने का आपको हर एंगल से सोचना है एलिमिनेट करना है जितना एलिमिनेट करोगे उतना ही फिर लास्ट आपके पास क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी ऑप्शन बचेंगे फिर आप रिस्क ले सकते हो अगर एक दो बचे हैं तो यू कैन टेक रिस्क 50 50 परसेंट चांस है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर ये बड़ा फेवरेट स्टाइल है सवाल पूछने का ये भी हम लॉजिक से करेंगे क्रिप्स आया कैबिनेट आया क्विट इंडिया आया अब हमें ये पता है इंडिविजुअल और रिन म्यूटिनी भी है हमें ये पता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था कैबिनेट मिशन प्लान जो था इसी के बेसिस पे फिर फाइनली बनती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड आगे प्रोसीड होता है तो ये टूवर्ड्स द पार्टीशन के टाइम पर ही आना चाहिए तो ये जो टू है ये शुरू में तो नहीं आएगा और शुरू में आ भी नहीं रहे तो कोई हेल्प नहीं हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्रिप्स मिशन फेल हुआ तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की बात हुई तो वन के जस्ट बाद थ्री होना चाहिए वन और थ्री ऐसा होना चाहिए वन और थ्री होना चाहिए तो ये केवल दो में मिल रहा है बी और सी में तो ये गया ये गया ओके okay, बी और सी में पहले होगा क्रिप्स मिशन फिर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट अब इसके पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह भी था तो सी इंडिविजुअल सत्याग्रह तो भूमिका बना रहा था कि हमको अभी बड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट करना है बहुत बड़े स्केल पे ले जाना है उससे पहले आप प्रैक्टिस कर लो बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह करना हु इज़ द फर्स्ट सत्याग्रही जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया और सेकेंड भी कौन है बताइए तो ये सबसे पहले होना चाहिए फोर्थ इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर इसके बाद फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन आना चाहिए फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए पर यहाँ तो दोनों ही ऐसा लिखा है फोर वन थ्री अब देखो ये रिन म्यूटिनी कोड्स हैं और ये है क्रिप्स मिशन तो एक्चुअली क्या हुआ था ये दोनों का ईयर सेम है ईयर सेम है फोर्टी सिक्स बट पहले क्या होता है पहले होता है रिन म्यूटिनी ये फेब्रवरी का टाइम है क्रिप्स मिशन थोड़ा बाद में आएगा मार्च समथिंग में आएगा फिर जून तक रिपोर्ट देगा क्रिप्स मिशन इज लिटिल लेटर सो द राइट आंसर हियर इज बी फोर वन थ्री फाइव एंड टू अब ये बताइए चैत्य एक श्राइन हॉल है विद अ वोटिव स्तूपा प्लेस इन द सेंटर वोटिव का क्या मतलब होता है जो सिम्बॉलिक है चैत्य इज अ श्राइन सेल विद अ वोटिव स्तूपा प्लेस इन द सेंटर इट वॉज यूज एज अ वर्शिपिंग हॉल तो यहाँ पे चैत्य में वर्शिपिंग होती थी वी हार आर मोनेस्टरीज प्राइमरली कट आउट ऑफ रॉकस फॉर द रेसिडेंस ऑफ मंक्स तो विहार बेसिकली चट्टानों में एक प्राइमरली कट रॉक किया था और वहाँ पे रेसिडेंस ऑफ मंक्स था रेसिडेंस ऑफ मंक्स सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अब इज आर करेक्ट सो यहाँ बताइए क्या राइट आंसर होगा तो सी यहाँ जो राइट आंसर है यहाँ राइट आंसर है अब देखो हम अक्सर पढ़ते हैं ना मयूर विहार है या फिर सम विहार है तो वो क्या होता है रेसिडेंस एरिया होता है तो विहार कुछ ना कुछ रेसिडेंसी होगा मंक का जहाँ वो रहते हैं ड्वेलिंग होगा यहाँ पे तो उसी से ये वर्ड मयूर विहार वगैरह आया रेसिडेंस तो टू इज़ राइट चैत्य से क्या होता है चिंतन मनन हो रहा है चिंतन मनन तो दैट इज़ कॉल्ड वर्शिपिंग तो ये भी राइट है तो दोनों करेक्ट है सी पोथ वन एंड टू सो द पॉइंट इज़ आपको बुद्धिज़्म अच्छे से आना चाहिए और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोविंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी उपचार आर एडोप्टेड टू कंट्रोल प्राइस राइज इन द इकॉनमी ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है प्राइस राइज इन्फ्लेशन इससे वन हंड्रेड परसेंट सवाल आने वाला है प्राइस राइज इन द इकॉनमी मॉनिटरी मेजर्स हम करते हैं फिजिकल मेजर्स भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज़म भी करते हैं मॉनिटरी मेजर्स मतलब जैसे हमने क्या किया रेट्स आज जैसे न्यूज़पेपर में है रेट्स वगैरह आर बी आई ने चेंज किया कोमोडेटिव नहीं है मॉनेटरी हो गया फिजिकल मेजर्स भी हमने किया गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाया कैसे रेट कट करना है तो पॉसिबल है ये हो जाएगा एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेज़म हमने डिसाइड कर दिया सौ रुपये से ज़्यादा का नहीं बिकेगा ये सामान तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये रेमेडी है उपचार है उपचार है फॉर दिस फॉर दिस प्राइस राइज इन इकोनमी ओके आर इज़ अगेन फेवरेट टॉपिक तो इस आंसर का इस सवाल का जवाब दीजिए वाई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हमारा बैंक बैंक होता है और उस बैंक का भी बैंक रिजर्व बैंक होता है तो रिजर्व बैंक सबका बैंक होता है टॉप बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स का बैंक है लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है क्यों क्योंकि रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है सिक्योरिटी इन कमर्शियल बैंक्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स ऑफिशियल मतलब अपॉइंटमेंट जो है बैंक्स ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट है वो आर करेगा ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एस का चेयरमैन कौन बनेगा ये आर बोलेगा नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट ट्रू कमर्शियल बैंक्स नीड टू कीप सम अमाउंट इन द कस्टडी ऑफ द आर एंड कैन बोरो फ्रॉम द आर एट द टाइम्स ऑफ नीड एंड स्ट्रिजेंसी आर बी आई एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द डे टू डे फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक ये डे टू डे फंक्शन मतलब आर बी आई बताएगा आई सी आई सी आई बैंक को आज ये करना है वो करना है कमर्शियल बैंक एस बी आई को ये बताएगा नो no. ये नहीं होगा सो द राइट आंसर हेयर इज बी आर के पास ये जो है सिक्योरिटी हम अपनी सिक्योरिटी बैंक में रखते हैं बैंक्स अपनी सिक्योरिटी आर के पास रखता है इसलिए बैंकर्स का बैंक है हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम बैंक के पास जाते हैं बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ती है वो आर के पास जाता है तो ये लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है सो बी इज़ ओनली बी ओनली इज़ द राइट आंसर ओके अब ये बताइए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं ये स्ट्रॉगर होते हैं देन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्यों बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वगैरह देख रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर अपने दम पे वो काम कर रहा है उसके पास इतना ज़्यादा स्केल नहीं है क्यों इकोनॉमीज ऑफ स्केल दिस इज़ वन रीजन असिमेट्री ऑफ इंफॉमेशन अब ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है इसके पास बहुत सारे टूल्स है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दिस इज ऑल्सो दर सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव डी ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है ऑल ऑफ द अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ओके ऑल राइट देन ये बताइए इकोनॉमिक कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइज एंड बोनस पेड टू द फार्मर्स प्लस मतलब एफ क्या करता है फूड प्रोक्योरमेंट करता है तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है एफ को एफ को इसकी कॉस्ट पड़ती है जितना पैसा देना पड़ा एम का है ना एम का पैसा देना पड़ा प्लस साथ ही साथ बोनस देना पड़ा और इसके अलावा और क्या देना पड़ेगा तो जो पड़ेगा कॉस्ट कॉस्ट दिस एफ को एफ को कॉस्ट तो बताइए उसमें एक एक्स्ट्रा चीज और क्या ऐड होगा इंटरेस्ट का कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बिकॉज उसको फूड खरीदना है गोदाउन में रखना है तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा प्रोक्योरमेंट के इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर गोडाउन अभी जो चार्जेस फॉर गोडाउन है देखो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑनली लिखा हुआ है बहुत नैरो हो गया ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑनली है बहुत नैरो हो गया ये जो स्टेटमेंट है चार्जेस फॉर गोडाउन ये भी अगेन बहुत नैरो हो गया एक्चुअली एफ सी आई क्या करता है एफ सी आई फार्मर्स वग़ैरह इन सब से प्रोक्योर किया और फिर जो फेयर प्राइस शॉप्स है डिस्ट्रीब्यूशन पी डी एस वगैरह उधर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये प्रोक्योर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इस सब में भी तो कॉस्ट लगेगा ना ऑपरेशन कॉस्ट वो कंडक्ट होता है बाय दिस फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया सो द राइट आंसर इज़ सी प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अब बताइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंगोंग सो लेक ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट है इसका वन थर्ड से ज़्यादा पार्ट इंडिया के पास है पेंगोंग सो लेक ये लेक जो है चाइना के रेफरेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक सिचुएटेड इन द लद्दाख ये ब्रैकिश है लेक है ऊपर यहाँ पर हिमालय में है जहाँ अक्सर हम हिमालय मतलब ग्लेशियर्स मतलब लाइक ब्रैकिश वाटर कैसे हो सकता है इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक सिचुएटेड इन द लद्दाख रीजन ये लद्दाख रीजन में है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम टैथस सी जियो सिंकलाइन जैसे एक टैथस सी था यहाँ पे इंडो यूरेशियन बेल्ट ने आ, प्लेट ने हिट किया यूरोपियन प्लेट को और ऐसे टैथ्स सी फिर हिमालया बन गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर इंडस रिवर इधर ही बहती है ऊपर नॉर्थ में तो ये उसका पार्ट है so, सो टेलिस का आंसर क्या होगा तो सी इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम टेथिस जियो सिंक्लाइन ये तो करेक्ट है टेथिस जियो सिंक्लाइन से ही ज़्यादातर यहाँ पे फीचर्स बने तो टू तो होगा बट अब इससे एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ हमारा नेक्स्ट ये पार्ट है इंडस रिवर बेसिन का इज़ इट ट्रू ये जो पार्ट है ना ये एक स्टैंड अलोन है पैंगोंग सो लेक है ना ये किसी रिवर बेसन का पार्ट नहीं है ये स्टैंड अलोन है तो थ्री इज रॉन्ग तो राइट आंसर हेयर इज राइट आंसर हियर इज बी यस जो ब्रैकिश है वो पैंगोंग सो लेक है पैंग सो लेक का वाटर ब्रैकिश है अब जैसे ये सवाल बताइए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंसेक्ट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल इन्वॉल्व इन पॉलीनेशन पॉलीनेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ये जो प्लांट्स के सीड्स हैं फिर इनसे रिप्रोडक्शन होता है पॉलीनेशन इंसेक्ट्स भी करते हैं एनिमल्स भी करते हैं बर्ड्स भी करते हैं ऑल इन्वॉल्व इन पोलिनेशन यस दिस वे और दैट वे सभी होते हैं मॉथ आर वाइटल टू पॉलीनेशन इन द हिमालयन इको सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो मौत यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइटल है अब इस स्टेटमेंट को ऐसा गलत नहीं साबित कर सकते मौत हो सकता है वाइटल हो इतना बड़ा इकोसिस्टम है पॉसिबल टोबैको इज द ओनली प्लान विच इज़ नॉट पॉलीनेटेड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रांग मस्ती स्मेल तो टोबैको की बहुत स्ट्रांग मस्ती स्मेल होती है तो इसलिए यहाँ पर इसका पॉलीनेशन नहीं कर पाते अब बताइए इसका करेक्ट क्या होगा अब लॉजिकली देखें तो पहला तो करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है कन्फ्यूजन हो सकता है वन टू या वन टू थ्री में थ्री में क्या लिखा है कि टोबैको का बिकॉज स्ट्रॉन्ग और मस्ती स्मेल है तो ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा बट वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्मेल स्मेल तो हम ह्यूमंस के अकॉर्डिंग होता है कि स्मेल व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग बट पॉलीनेशन तो इंसेक्ट्स एनिमल्स बर्ड्स भी कर रहे हैं इनको स्मेल का हमारी चॉइसेस जैसा हो जरूरी नहीं है सेकंड यहाँ पे ये यह लिखा है अगर टोबैको पॉलीनेशन नहीं होता तो फिर टोबैको का तो लाइक like, स्पीशीज़ ही खत्म हो जाती जो नहीं हुआ है मतलब पॉलीनेशन तो हो रहा है सो द राइट आंसर इज़ बी ये स्टेटमेंट गलत है ये ट्रू है ये ट्रू है सो द राइट आंसर इज बी वन टू ओके ऑल राइट ये आठ था मैं नंबरिंग भूल गया नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ओके सो फिफ्टीन क्वेश्चन हमने देखे जिसमें एमसीक्यू थे और आपके डाउट्स थे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ